Hello students. Now we will study about photosynthetic pigments. All photosynthetic organisms absorb solar radiation which is a source of energy that initiates the process. Okay. तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं जो आ, एनर्जी का बेस्ट सोर्स है और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है द लाइट इज एब्ज़ॉर्ब थ्रू द एजेंसी ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पिगमेंट्स ठीक है तो इसके लिए कुछ आ, चीज़ होते हैं जो कि इस प्रोसेस एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पिगमेंट्स कहा जाता है और उनका उस पिगमेंट का रोल क्या होता है तो द रोल ऑफ पिगमेंट्स इज टू कन्वर्ट द एब्ज़ॉर्ब सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ठीक तो कर, है तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल्स कैरोटिनॉय्स एंड फाइकोबिलंस जो कैरेटिनोइडस एंड फाइकोबिलंस हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं और जो सबसे एक्टिव पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे pigments involved in photosynthesis chlorophyll a bright or blue green in chromatograph major pigment act as a reaction center involved in trapping and converting light into chemical energy chlorophyll b yellow green xanthophyll yellow and uh, carotenoid yellow to yellow orange ठीक है तो यहाँ पर जो बताया गया है तो जैंथोफिल हो गया कैरेट हो गया फाइकोबिलिन्स हो गया तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सब एसेसरी पिगमेंट्स हैं और सबसे मोस्ट एक्टिव पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल ए इन द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट इज लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन क्या है प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑनली जो लाइट के प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है वो लाइट रिएक्शन कहलाता है लाइट रिएक्शंस और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्बसन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड लाइक ए एंड एन इट इन्वॉल्व सेवरल कम्प्लेक्स एंड द पिगमेंट्स ऑफ द कम्प्लेक्स आर ऑर्गेनाइज इन टू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू अब ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ये हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे डिटेल में लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस जिसको कि शॉर्ट फॉर्म है एल एच सी ये क्या है द लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस आर मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मोलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन विदिन द फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू प्राइमरी एक्सेक्टर यहाँ पर द लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स है ठीक है यहाँ फोटो प्रेजेंट है ये बीच में जो है वो रिएक्शन सेंटर है प्राइमरी एक्से एंड यहाँ पर जो ग्रीन टाइप का जो राउंड राउंड शेप दिख रहा है वो क्या है पिगमेंट मोलिक्यूल्स हैं तो ईच फोटोसिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स बाउंड टू प्रोटीन एक्सेप्ट वन मोलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कि एंटीना का, का काम करता है ठीक है यहाँ पर क्लोरोफिल ए है वही लाइट को एब्जॉर्ब करता है पिगमेंट्स एब्जॉर्ब्स डिफरेंट वेव लेंथ ऑफ लाइट फोर इफ़िशियंट फोटो सिंथेसिस यहाँ पर पिगमेंट्स जो दिखाए गए हैं उनका लाइट uh, को uh, जो एब्जॉर्ब करते हैं उसका अलग अलग वेब लेंथ है द रिएक्शन सेंटर जो जहाँ पर रिएक्शन सेंटर है वो क्लोरोफिल ए है इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम वन में क्लोरोफिल एज़ एन एब्जॉर्बशन पिक एट सेवन हंड्रेड एन एम ठीक है इसलिए वहाँ पर उस फिगर पर लिखा हुआ रहता है पी सेवन हंड्रेड एंड इन फोटो सिस्टम टू क्लोरोफिल एज़ एब्जॉर्बन पिक एट सिक्स एटी एन एम वहाँ पर लिखा हुआ रहा था पी सिक्स एट जीरो वो फोटो सिस्टम टू है और फोटो सिस्टम वन में पी सेवन हंड्रेड ठीक है प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस इट इंक्लूड्स टू फेजेस फोटोकेमिकल फेज and biosynthetic phase photochemical phase is also called light reaction this phase includes light absorption splitting of water oxygen release and formation of atp and nadph and dark reaction that is also called biosynthetic phase it is light independent phase synthesis of food materials ठीक है अब इसके बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू